doesn't need to address the issue of the unemployment, sir. Here the government is telling they will provide the jobs. But the thing is that, sir, lakhs of employment, lakhs of vacancies are vacant in the country. So it should be addressed, sir, in railway, and everywhere the posts are laying vacant, sir. You see the points. I have asked the question to the Prime Minister, Honorable Prime Minister, about the vacancies, and I got the reply. There is a 9,79,327 posts are lying vacant, sir, in railway, in this various ministries and departments. Sir, this government is not creating the jobs. They are destroying the existing jobs, sir. Sir, I have a data given by the government. The data, sir, you please look at the data. Sir, in railway, in 2016-17, there were 11.5 lakh regular employees in central public sector units, sir. But what is the existing situation? What is the situation now, sir? The data by the government, says that it has come down to 8.6 lakh. The Labour Ministry has given this data to me in this house, sir. It means that 3 lakh jobs has been destroyed by this government, not only in the public sector companies, even in the central services also. Proper recruitment is not happening here, sir. So you please look the matter. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि अभी आप लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन देखा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से दोस्तों डायरेक्ट सवाल किया जा रहा था संसद में, जिस तरीके से दोस्तों सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं उनके द्वारा सवाल उठाए गए थे, सवाल पूछे गए थे रेलवे मिनिस्ट्री से, ठीक उसी प्रकार से श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा भी सवाल उठाए गए। यानी दोस्तों सुगबुगाहट काफ़ी तेजी से है रेलवे की नई भर्ती का, कि कितने पद अभी वैकेंट है, कितने पदों पर नई भर्ती आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या सवाल है दोस्तों, सवाल में क्या कुछ जवाब आया हुआ है उसको भी आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। श्री अश्विनी वैष्णव, कहने का मतलब है रेलवे मिनिस्टर के द्वारा क्या कुछ कहा गया दोस्तों। यहाँ पर जोन वाइज पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है कि कितने वैकेंट हैं पोस्ट अलग अलग जोन में, अपने से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा सबसे खास बात आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, 2,98,973 इतने पोस्ट दोस्तों वैकेंट हैं। रिप्लाई में ये भी आ रखा है कि जो पदे वैकेंट हैं उसको फिल करने की प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कहने का मतलब है कि ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, भर्तियां प्रॉपर चलती रहेगी। जिस तरीके से अभी भर्ती कंप्लीट हुई है एनटीपीसी का और ग्रुप डी का कंप्लीट होने वाली है, ये प्रोसेस चलती रहेगी। और आपकी दोस्तों इसके चलते मैं बताना चाहता हूँ, रिक्रूटमेंट नई, चाहे आपकी बात किया जाए आरपीएफ की, चाहे आपकी बात किया जाए एएलपी की, बहुत जल्द आने वाली है। अगर बात करें कब तक आ सकती है, हो सकता है दोस्तों मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाए, या फिर बहुत जल्द किया तो इसी मंथ के एंड तक नोटिफिकेशन एएलपी या आरपीएफ की आ सकती है। आप लोग वेट करें, जैसे ही इसके रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, थैंक।